एवरीवन वेलकम ऑन डाले चैट। आई एम अंकित यश आपके साथ, आपको नमस्कार करता हूं और स्वागत करता हूं आपका ओनली ऑन डाले चैट। दोस्तों आज की जो कहानी है वो एक स्ट्रगल जर्नी के बारे में है। आपको बता दूं कि ओटीटी बिग बॉस सीजन 2 जो आया उसकी फेम, उसकी फाइनलिस्ट राधर मनीषा रानी की स्ट्रगल जर्नी है आज की कहानी दोस्तों। तो चलो जानते हैं कि कैसे एक छोटे से घर से आज इतनी बड़ी कामयाबी तक वो पहुंची है। लेट्स टॉक अबाउट हर। लेकिन उससे पहले टैप ऑन द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब आवर चैनल नाउ। दोस्तों कहते हैं कि अभी उन्होंने एक रीसेंट अपना एक व्लॉग शेयर किया है। उस व्लॉग के अंदर वो दिखा रही है कि वो बिहार के अंदर अपने 3 माले के घर की वापस से रिविजिट करने जाती है। दोस्तों तभी वो दिखाती है व्लॉग के अंदर जब वो नीचे रहती थी तब उनका जो पुराना कमरा है वो पुराना कमरा वो दिखाती है जहां पर वो पली बड़ी है दोस्तों, जहां से उन्होंने अपनी लाइफ की शुरुआत की। वो कहती है कि ये जो कमरा है वो अपने लिए, उनके लिए बहुत मायने रखता है दोस्तों। इसके अलावा उन्होंने बताया कि जो सेकेंड फ्लोर है, सेकेंड फ्लोर जो है घर का, वो बहुत ही उनके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां पर उनकी बिगेस्ट सपोर्ट सिस्टम ऑफ द हाउस यानी कि उनकी मौसी वहां रहती है। दोस्तों पहले ऐसा था कि जब वो टिकटॉक की वीडियो बनाया करती थी मनीषा रानी, तब वो अपनी मौसी के रसोई की वीडियो बनाया करती थी और वहीं से उन्होंने इस जर्नी की शुरुआत की थी। दोस्तों वो बताती है कि मौसी पूरे घर में मेरे लिए सबसे बड़ी सपोर्ट सिस्टम है, वो मेरी दोस्त है, वो मेरी बड़ी बहन है, वो मेरे लिए सब कुछ है। दोस्तों लेटर ऑन वो थर्ड फ्लोर के ऊपर जाती है जहां उनके लिए एक छत है और वो छत पहले सिंपल छत थी लेकिन वहां पर अभी मनीषा रानी ने पूरा 3 BHK का बंगलो बनाया, मतलब पूरा 3 BHK का अपार्टमेंट उन्होंने थर्ड फ्लोर के ऊपर बनाया है। और वो व्लॉग में कहती है कि ये जो अपार्टमेंट बनाया है वो मेरी भाभी के लिए बनाया है दोस्तों, तो जो कोई भी मेरी भाभी आने वाली है उनके लिए ये घर जो है वो राह देख रहा है भाई, तो फटाफट मेरे भाई से शादी करो और आ जाओ इधर। वो ये बात को रिवील करती है लेकिन उस छत के बारे में वो एक बात बहुत इंपॉर्टेंट कहती है कि यही ये जगह है जहां पर वो एक दीवार के ऊपर काला कपड़ा लगाकर अपने टिकटॉक के वीडियोस, वो भी सामने एक स्टैंड, मतलब कैसा, आज के जमाने वाला लाइट स्टैंड नहीं, सिर्फ एक ड्रम होता था और ड्रम के ऊपर वो ईंट रखती थी और ईंट के सामने कैमरा रखकर वो वीडियो शूट करती थी और वहां से आज बिग बॉस का कैमरा उन्हें शूट करता है। ये जर्नी उनके सक्सेस की कहानी को बयान करती है दोस्तों। तो ये थी कहानी आज की, द स्ट्रगल जर्नी, द लाइफ जर्नी ऑफ मनीषा रानी जो आज बन चुकी है बहुत ही ज्यादा फेमस इंसान। लेकिन एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है अभी भी कि बिग बॉस 17 के अंदर क्या वो पार्ट लेगी या नहीं लेगी, वो तो बताएंगे तभी पता चलेगा। लेकिन मीनवाइल अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो क्या करना है आपको, टैप करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो यार फटाफट।